नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ल्यूमिनस कंपनी का और एक यूटीएल कंपनी का सोलर सिस्टम बताने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको एक ल्यूमिनस कंपनी का बढ़िया 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर बताएंगे और 1.5 किलोवाट का यूटीएल कंपनी का सोलर इन्वर्टर बताएंगे। तो यदि आप अपने घर में 1 किलोवाट तक का लोड चलाना चाहते हैं या फिर 1 किलोवाट से थोड़ा ज्यादा यानी 1.5 किलोवाट तक का लोड आपको चलाना है तो आपके लिए ये वीडियो सही रहेगी। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि 1 किलोवाट से 1.5 किलोवाट तक का लोड यदि आपको चलाना है तो कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, उसके नीचे कितनी बैटरी लगेगी, कितने सोलर पैनल लगेंगे और इनकी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी होगी यानी कितना खर्चा आपका आएगा। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में नया सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे वर्मा सोलर ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, जहां से आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 1 किलोवाट लोड यदि आपको चलाना है तो ल्यूमिनस कंपनी का सबसे बढ़िया जो इन्वर्टर है अब तक का 1 किलोवाट लोड के लिए वो है ल्यूमिनस एनएक्सजी 1850 मॉडल। दोस्तों, ये इन्वर्टर मैं आप काफी बार रेकमेंड कर चुका हूँ क्योंकि ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये बढ़िया सोलर इन्वर्टर है। ये 1500 वीए का इन्वर्टर है तो इसके ऊपर आप 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं, यानी 1 किलोवाट तक का लोड जो है वो आप आसानी से इसके ऊपर चला पाएंगे। इसके अंदर आपको एमपीपीटी टाइप का 50 एम्पीयर की करंट रेटिंग वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है और इसके ऊपर आप लगा सकते हैं 1500 वाट के ही सोलर पैनल और इसकी वीओसी 36 वोल्ट से 60 वोल्ट दी गई है और ये इन्वर्टर 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है तो इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर है तो इसके अंदर आपको 3 यूजर स्टेबल सेविंग मोड मिल जाते हैं, जैसे सोलर मोड, सोलर प्लस ग्रिड मोड, ग्रिड प्लस सोलर मोड। तो आप अपने घर के बिजली बिल को बचाने के लिए और ज्यादा बैटरी बैकअप के लिए इन मोड का यूज कर सके। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो ल्यूमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 14,000 रुपए चल रहा है, तो लगभग ऑफलाइन मार्केट में आपको ये 12 से 13,000 रुपए के अराउंड में मिल जाएगा। ये था दोस्तों हमारा 1 किलोवाट लोड चलाने के लिए ल्यूमिनस कंपनी का सोलर इन्वर्टर। अब हम बात कर लेते हैं यूटीएल कंपनी की। तो दोस्तों, यदि आपको चलाना है 1.5 किलोवाट तक का लोड और आप एक 12-13 हजार रुपए का सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यूटीएल हेलियो 2524 वोल्ट। ये इन्वर्टर दोस्तों 2200 वीए का है तो इसके ऊपर आप लगभग 1700 वाट तक का लोड चला सकते हैं, यानी 1.5 किलोवाट से ऊपर का ही लोड आप इसके ऊपर चला पाएंगे। इसके अंदर आपको पीडब्ल्यूएम टाइप का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है और इसके ऊपर आप लगा सकते हैं 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल और इसकी वीओसी 36 वोल्ट से 60 वोल्ट तक दी गई है और यह इन्वर्टर भी 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है तो इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। और प्राइस की यहाँ पर बात करें तो इसका प्राइस जो है वो 14,000 रुपए दिया गया है और इसके अंदर भी दोस्तों आपको 3 यूजर स्टेबल सेविंग मोड मिल जाते हैं, जैसे सोलर मोड, सोलर प्लस ग्रिड मोड, ग्रिड प्लस सोलर मोड, जो कि आप अपने बैटरी बैकअप को बचाने के लिए और बिजली बिल को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो इसका प्राइस भी 14,000 रुपए ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया गया है, तो यह इन्वर्टर भी आपको लगभग 12-13 हजार रुपए में मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों हम कंप्लीट सोलर सिस्टम की। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इन दोनों सोलर इन्वर्टर का प्राइस जो है वो पता चल गया है, 14,000 रुपए है। अभी हम बात कर लेते हैं कंप्लीट सिस्टम की। तो हमारा जो ल्यूमिनस कंपनी का एनएक्सजी 1850 मॉडल है ये 2 बैटरियों को सपोर्ट करता है, तो एक 150 एएच की 12 वोल्ट की बैटरी लगभग 12,000 रुपए से कम के प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो 2 बैटरियों का प्राइस यहाँ पर हो गया 24,000 रुपए और ये इन्वर्टर 1500 वाट के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। तो यदि आपको ज्यादा पावर जनरेशन की जरूरत है तो आप मोनो टाइप के सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो यदि आपको 33 रुपए पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल मिलते हैं तो 1500 वाट सोलर पैनल का प्राइस 50,000 रुपए हो जाता है। इसके अलावा 15,000 रुपए हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं क्योंकि हमें सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर वगैरह की भी जरूरत होगी, तो 65,000 रुपए हमारे हो जाते हैं सोलर पैनल के, 24,000 रुपए हमारे हो जाते हैं बैटरियों के और 14,000 रुपए हो जाते हैं हमारे सोलर इन्वर्टर के। तो लगभग 1,00,000 रुपए के अराउंड में आपको ये ल्यूमिनस का एनएक्सजी 1850 मॉडल सोलर इन्वर्टर मिल जाएगा, 2 बैटरी मिल जाएगी और 1500 वाट के सोलर पैनल मिल जाएंगे। तो आप अपने घर का 1 किलोवाट तक का लोड जो है वो आसानी से इस इन्वर्टर के ऊपर चला पाएंगे और अपने घर के बिजली बिल को भी कम कर पाएंगे और पावर जनरेशन के लिए इसके ऊपर आप 1500 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो आप अपने घर का सारा लोड जो है वो सोलर से ही चला पाएंगे। तो लगभग 1,00,000 रुपए से कम के प्राइस में ये आपका कंप्लीट सोलर सिस्टम मिल जाएगा यदि आप ल्यूमिनस का ही ये सिस्टम इसी डीलर से लेते हैं तो। इसके बाद में यदि आपको 1.5 किलोवाट तक का लोड चलाना है तो आप ले सकते हैं यूटीएल हीलियो 2524 वोल्ट सोलर इन्वर्टर। इसका प्राइस यहाँ पर 14,000 रुपए है और इसके ऊपर भी 2 बैटरियां लगेगी, तो 24,000 रुपए की हमारी 2 बैटरी हो जाएगी और इसके ऊपर लगेंगे 2 किलोवाट के सोलर पैनल, तो 33 रुपए पर वाट के हिसाब से 2 किलोवाट सोलर पैनल का प्राइस 66,000 रुपए आ जाता है। इसके अलावा हम 14,000 रुपए और मान लेते हैं क्योंकि सोलर पैनल के लिए स्टैंड वगैरह की भी हमें जरूरत होगी, तो टोटल हमारे सोलर पैनल जो है वो 2 किलोवाट के लगभग 80,000 रुपए के अराउंड में मिल जाएंगे। तो 80,000 रुपए हमारे हो गए सोलर पैनल के और 24,000 रुपए हो गए हमारे 2 बैटरियों के और 14,000 रुपए हम मान लेते हैं इस इन्वर्टर के, तो टोटल यहाँ पर हमारे हो गए 1,18,000 रुपए। तो यदि 1 लाख से ऊपर का आपका बजट है तो आप इस यूटीएल कंपनी वाला सोलर सिस्टम जो है वो ले सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर आप 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगा पाएंगे और इस पे आप
लोड भी थोड़ा ज्यादा चला पाएंगे। और यदि आपका 20-25 हजार रूपए कम का बजट है और आपको कम लोड चलाना है तो फिर आप ले सकते हैं ल्यूमिनस का NXG 1850 सोलर इन्वर्टर और 2 बैटरी और 1500 वाट के सोलर पैनल। यहाँ पर दोस्तों मैंने इन दोनों इन्वर्टर के डिफरेंस भी आपको बता दिया है और ये भी बता दिया कि कौन सा इन्वर्टर कितना लोड चलाएगा, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो यदि इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।